सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनास आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल रिशीज़वर्ल्ड में। तो यार बहुत टाइम बाद मॉम इज बैक, तो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलेंगी मम्मी बोलेगी। मम्मी बोल दो, क्या बोलना। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी, मैं अपने सब्सक्राइबरों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं करी हैं। पर मैं फिर भी एक बार अपने सब्सक्राइबर को लिए कहूंगी कि अनीता माँ आ गई और सब पे छा गई। मैं आ गई हूँ, अब मैं ये सोचूंगी कि मैं आपके लिए कुछ नए नए गाने लेके आऊँ और लोगों को बताऊँ कि मैं आ गई हूँ। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि भगवान हमारे घर में सुख शांति हो और सब इंसान खुशी से रहें, खुशी का माहौल हो और आने वाली विपताएं सब हमारे से दूर कोसो दूर भाग जाएं। तो मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ और आप लोगों से भी ये कहती हूँ कि आप लोग भी ये दुआ करो कि भगवान सब लोग खुश हों, तो बहुत अच्छी बात। कैसा लग रहा है मम्मी इतने टाइम बाद आके? बहुत, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं, मेरे सब्सक्राइबर बार बार मेरे लिए पूछते थे, मैं उन सब्सक्राइबरों का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सब्सक्राइबर मेरी सेहत के लिए बहुत चिंतित थे और मैं, वो जितने मेरे लिए चिंतित थे मैं उतनी उनके लिए उदास थी। तो आज मैं आ गई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं सारी उदासी खत्म कर दूँ और अपने सब्सक्राइबर के लिए आगे धन्यवाद करती हूँ कि मैं हमेशा उनके खिदमत में शामिल रहूँगी। 3 महीने बाद आ रहे हो? 3-4 महीने। तो यार ज्यादा बात नहीं करते, मम्मी अब पहले से फिट है और आपकी दुआ रहेगी तो मम्मी और भी ज्यादा बढ़िया और जबरदस्त हो जाएंगी। मम्मी से वादा करा आज वीडियो बनाते हुए कि नए साल पे वीडियो डाल जरूर रहे हैं, पर अब ये शर्त ये है कि अब रेगुलर वीडियो डालनी पड़ेगी भाई। तो डालने के लिए रेडी हो? बिल्कुल। तो बता दो, मेरे सब्सक्राइबरों का हमारे साथ सहयोग रहा तो मैं जरूर सारे बिल्कुल है, उनका सहयोग पहले भी था अभी भी और आगे भी रहेगा। तो यार ज्यादा बात नहीं करते, आप बताओ कौन सा गाने पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं? जो कहनी सिंह का गाना है, नया गाना भी आया थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ है और उस गाने को नाम नोट फेंको। मेरे को बहुत खुशी हो रही है हनी सिंह के गाने के लिए। मैं सबसे पहला गाना मैं याद रखूंगी कि सबसे पहला गाना मैंने हनी सिंह का रिएक्शन करा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो यार मैं आपको बताता हूँ, गाने का नाम है नोट फेंको द करमपुरा सॉन्ग। तो करमपुरा से स्टोरी ये है, हनी सिंह करमपुरा के ही है, तो मुझे लगता है अपनी वेस्ट दिल्ली वाली बातचीत आने वाली है क्योंकि हम भी वेस्ट दिल्ली में रहते हैं। तो वी आर मोर एक्साइटेड कि हमारी गली का बंदा, हमारे कॉलोनी का बंदा मार्केट में बूम कर रहा है। तो ज्यादा बात नहीं करते, पहले गाने पे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उससे पहले बताता हूँ, अगर अब यहाँ तक आकर और अभी भी नहीं करना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करेंगे अब, मम्मी आ गई अब तो चैनल को सब्सक्राइबर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और प्यारे प्यारे कॉमेंट भी करेंगे, जरूर करेंगे। मुझे साथ के साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहीं से देख के अब मैं आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करूंगा। तो ज्यादा बात नहीं करते, गाने पे चलते हैं, लेट्स गो। हाँ जी, हाँ जी, वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली आ गया मैं कैलिफोर्निया से। पहली चीज बता दे तो मम्मी, ये जो पूरी पूरी शूटिंग है ये करमपुरा की शूटिंग है, हनी सिंह के घर की, वेस्ट दिल्ली जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारी गली का लौंडा जो मैं बात कर रहा था। बहुत खुशी। और कह रहे आ गया मैं कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया में गए थे इन्होंने, वहां पर रैप सीखा, बहुत सारे निग्रोस, बहुत सारे फॉरनर्स के साथ इन्होंने अपने टैलेंट को और निखारा, और उसके बाद जब ये वापस आए तो आज ये अपने घर पे धमाल मचा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। फिर
भाई ये बेसिकली क्या है, क्या अभी तक आपको क्या समझ आया? मेरे को ये कह रहा, वो ये एक बता रहा है कि एफडी भी कर रखी है और नोट भी पास, दारू भी पास में रखी है और जलते सारे हैं मेरे से, सब चिल है। हाँ। कहते भाई मैं नहीं लेता टेंशन, मैं अगर नोट भी उड़ा रहा हूँ तो मैं टैक्स भी भर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कह रहे गली के लोंडे ने मार्केट में नाम बना लिया, बहुत खतरनाक। कहते हैं कि दिल्ली से दुबई, दुबई से एले, सब घूम लिया मैंने। और ये रियलिटी और जो ये शूटिंग है ना मम्मी, मुझे लग रहा है इन्होंने ये अपने ही एरिया में बनाई है और एकदम वो सारी चीजें, जबकि इनको बहुत अच्छी चीज लगी। चाहते हनी सिंह करोड़ों रुपए खर्च कर सकते अपनी वीडियो पे, पीछे नॉर्मल जैसे घरों में मीटर लगे होते हैं, तो एकदम रॉ शूटिंग करी है। देखो ये भी स्टाइल है, तो ये हनी सिंह के अलावा मुझे लगता है नहीं कोई बंदा ऐसा रिस्क लेता है, तो बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। जो घर ब्रेड रोल बन दाया, गजरेला अग्रवाल दा खाना सी जो सीगा पंज साल दा, दारू पी पी जवान होया फिर होया शौंकी माल दा। This is how we do. Bakre bulaunde. This is how we do. Tikke shikke khaunde. This is how we do. This is how we do. Hor ki dassa tainu. Note faiko, note faiko. Faiko, faiko, rose faiko. I'm in the ghetto. So, note faiko, rose faiko. Note faiko, note faiko. Faiko, faiko, rose faiko. I'm in the ghetto. ये बात कर रहे हैं हनी सिंह बेसिकली, मतलब ये बात मुझे भी बहुत बढ़िया लगी। इसमें बोली कि मैं टूपाक को नहीं सुनता, मैं गुरदास मान को सुनता हूँ। तो देखो इसमें बेसिकली क्या बात है, टूपाक वही है जिनको सिद्धू मूसे वाले भी फॉलो करते थे, तो वो अपने आप में एक लेजेंड है। पर दिल्ली की अगर आप बात करो, अगर हिंदुस्तान की बात करो, तो गुरदास मान बिल्कुल, मुझे लगता है मम्मी आप से पहले हमने गुरदास, आपसे भी उम्र में बड़े होंगे वो। हाँ बिल्कुल बड़े होंगे, और हमने गुरदास मान के ही गाने सबसे पहले सुने, तो फिर उसके बाद हमने बब्बू मान के सुने। ये बात इस बंदे की मुझे सबसे सही लगती है, ये सच्चाई को मुकरता नहीं है, जो रियलिटी है उससे कभी मुंह नहीं फेरता, और ये सच्चाई है। बंदा जिसको सुन के बड़ा हुआ उसका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बहुत सारे बंदे जो टूपाक का नाम अब जानने लगे हैं क्योंकि लेजेंड सिद्धू मूसे वाले ने उनका जिक्र करा, तो हम उनके बारे में एक्सप्लोर कर पाए। अदरवाइज हम भी बड़े हुए हैं, मम्मी भी बड़े हुए हैं, तो गुरदास मान जी का नाम तो हम गुरदास मान जी को देखा है, उनका रिएक्शन देखा, उनका गाना देखा, उनके बोल सुने हमने, हमें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि सबसे पहले हम गुरदास मान जी सुनते थे। तो हनी सिंह उनका जिक्र कर रहे हैं तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं और नोट फेंको रोज फेंको, पूछो मुझसे कैसे बना करियर, अड़ियल था मैं बड़ा अड़ियल, टूटी का ठंडा ठंडा पानी पीता था, अब पी ओनली ठंडा पेरियर, शनि बाजार से पहुंचा सीधा मैं तो बेवरी हिल्स, जो मेरा आइलैंड में जमाई महफिल, मैं कमाऊं दिन रात करूं मेहनत, ऊपर वाला ही भरे मेरे सारे बिल, मेरा रब राखा कदे मेरा चाका, डाइन आउट करा मैं टाबा गुरु राखा, मेरा रब राखा कदे मेरा चाका, डाइन आउट करो सारे टाबा गुरु राखा। नोट फेंको, नोट फेंको, फेमस है भाई, फेंको फेंको रोज फेंको, I'm in the ghetto, in the ghetto, पूरी करमपुरे की मार्केट जा रही, बहुत बढ़िया है। जनकपुरी हो गई है बकवास।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर नाश मार दिया भाई नाश बहुत बढ़िया ये तो सच्चाई है नाश मार दिया वेस्ट दिल्ली वाली बात कर दी भाई हमने पूरा नाश मार दिया बहुत अच्छा क्या बोलूं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरे को तो मम्मी पूरी वाइब्स आ गई क्योंकि करमपुरे में हम जाते रहते हैं बकरा मीट खाते रहते हैं टिक्के विक्के खाते रहते हैं अग्रवाल पे जाते रहते हैं और भाई साहब मतलब हनी सिंह ने ना पे बैक कर दिया पे बैक मम्मी मतलब कि जिन लोगों के सामने हनी सिंह बड़ा हुआ था पांच रुपए के गजरेले की बात हुई सबको दिखाया एक्सप्लोर कर दिया ये है एक लेजेंड जो हमारे सामने बना है मतलब कहते हैं कि जहां का बच्चा था वहां की उसने पूरी सब दिखा दिया कि मैं किस तरह से बड़ा हुआ किस तरह से पला और कौन कौन मेरे साथी थे और आज भी मेरे साथ आज भी मेरे साथ है उनकी दुआओं से ही मैं बड़ा हुआ हूँ और उनकी दुआओं से ही मैं ये इतना कहते हैं ना कि रब का राखा और मेरा झाका खुला है तो उसका झाका भी इसी वजह से खुला है क्योंकि उसके साथ सारे ही थे पूरी कॉलोनी उसके साथ थी पूरा एरिया उसके साथ था और हम भी उसके साथ हैं हम भी उसको दुआएं देते हैं कि भगवान चढ़ती कलाओं पे हो और वो जब अपना नाम लेके बात करता है विकासपुरी जनकपुरी ये सब हमारे पास के ही है हमें बहुत अच्छा लगा कि उसने हमारी दिल्ली को भी प्रमोट करा बहुत अच्छा लगा हमने हनी सिंह को देखो मैं तो छोटा हूँ हनी सिंह जी के आगे बट हनी सिंह का नाम जब हम जवानी आ रही थी ना हमारे पे जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें पता चलता था यार ऐसे ऐसे सिंगर है करमपुरा में रहता है और हम भी कई बार हनी सिंह के घर के चक्कर काटे हैं कि यार अच्छा यहाँ रहते थे हनी सिंह जी तो ये चीज हमने अपनी आंखों के सामने देखी तो हम बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो जगह दिखा रहे हैं जिस जगह पे हम जाते हैं तो हनी सिंह भी कह रहे हैं कि भाई फुल इंजॉय करा हमने अपनी जवानी में और फुल शराब पिए मजे मारे हैं कोई ऐसी समस्या नहीं है और जितने लोग पहले प्यार करते थे उतने लोग आज भी प्यार करते हैं और ये बंदा क्रेजी है भाई पागल है ये इस बंदे को मम्मी नहीं फर्क पड़ता कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ ये बंदा ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ है इसने कहा कि भैया जब मैं 10 रुपए का नोट उड़ाने की हिम्मत रखता था तो भी उड़ाए आज मैं मिलियंस में नोट उड़ा सकता हूँ तो मैं आज उड़ा रहा हूँ तो गाने का नाम भी वही है नोट फेंको तो हनी सिंह का ये गाना आपको कैसा लगा बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतनी ऊंचाइयों पर छूने के बावजूद भी उसने अपनी कॉलोनी को नहीं छोड़ा सच्चाई है अपने लोगों से उसने एक एक बंदे को उसने दिखाया है अग्रवाल की दुकान दिखाई और वो कौन सी दुकान दिखाई जिसमें गुरु राखा की भी उसने दुकान दिखाई बहुत फेमस बटर की शॉप है मतलब उसने अपना कोई भी चीज उसने छोड़ी नहीं है और ऐसे हमारे को भी नहीं उसने छोड़ा और हमें बहुत खुशी हुई है बहुत ही अच्छा लगा कि वो कल भी यंग था और आज भी यंग भाई मतलब हनी सिंह ने मतलब कहते हैं ना बिल्कुल ही अपने आप को दोबारा वापस लेके आए हैं तो वैसे ही लाए हैं जैसे वो 2006 में 2004 में दिखते थे सच्चाई है भाई बहुत अच्छा लगा तो बहुत जबरदस्त मुझे गाना लगा मेरी तरफ से हनी सिंह ऑन टॉप क्योंकि ये बंदा हमेशा ऑन टॉप रहेगा क्योंकि इसको देखकर हम बड़े हुए हैं भाई और हनी सिंह का नाम सुनते के साथ ना मतलब मन में मस्ती आ जाती है बहुत क्रेजी और बार यही बार बार दिल करता है यो हनी सिंह तो आपको बढ़िया लगा बहुत अच्छा तो यार ये गाना बहुत बढ़िया और मम्मी के साथ ये वीडियो शूट कर रही है हमने नए साल 2023 के अंदर तो पहला गाना हमने जो सुना वो सुना है यो हनी सिंह का तो अगर आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो तो बिना किसी रोकटे हमारे चैनल को क्या कर देना लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना प्यारे प्यारे कमेंट करना और भूलना मत मनीता माँ आ गई और सब पे छा गई और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक यो हनी सिंह।